हेलो गाइस, वेलकम टू माय इंजन स्टोरी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने हाईवे पे गाड़ी इतनी तेज चलाई कि एक साल के लिए इंटरनेशनल लाइसेंस कैंसिल हो गया और 10 साल के लिए यूके में आना तक बैन हो गया। दिन था 24 फरवरी 1963, जापान के दूर एक सुंदर से गांव बित्सुकी होकाइडो कंट्री साइड में एक किलकारी गूंजती है और जन्म लेता है एक लेजेंड। और धीरे धीरे यही किलकारियां बदल जाती हैं बर्नआउट के शोर में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जापान के एक फेमस कार्टूनर, वर्ल्ड के टॉप फेमस कार्टूनर कज़ुहिको नागाटा, एके स्मोकी नागाटा। ये वो बंदा है जिसने यूके के हाईवे में 194 mph की स्पीड में, वो भी बिना रजिस्ट्रेशन की, गाड़ी दौड़ा के अपने आप को जेल के अंदर बंद करवा दिया था। चलिए सब कुछ स्टार्टिंग से जानते हैं और चलते हैं वही सुंदर से गाँव में जहाँ स्मोकी नागाटा ने जन्म लिया। देखो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपके पापा का ऑटो ड्राइवर और किसान होना बहुत जरूरी है। और हमारे नागाटा भाई साहब के पिताश्री भी किसान ही थे, गेहूं और सोयाबीन की खेती किया करते थे। और कज़ुहिको नागाटा भी बचपन से ही अपने पिताजी की मदद किया करते थे। कज़ुहिको को रियलाइज हुआ कि उसे फार्मिंग से ज्यादा फार्म ट्रक चलाने में ज्यादा थ्रिल मिलता है। वो अपने फादर के साथ फार्म ट्रक और अदर फार्मिंग इक्विपमेंट्स को रिपेयर करने में भी हाथ बटाता था। बट इतने से ही उस आदमी के कलेजे में कहाँ ठंडक पड़नी थी, तो उसने बाइक्स खरीद के उसे ट्यून करना स्टार्ट कर दिया। बाइक से मन नहीं भरा तो गो कार्ट, और गो कार्ट के बाद तो उसने 15 साल की बाली उम्र में एक पुरानी खस्ता हालत की 1970 मित्सुबिशी गैलेंट G70 कार लेकर उसे रीस्टोर करने में लग गया। पर बहुत कोशिश के बाद भी वो कार चल नहीं पा रही। उसने अपने पास रहने वाले एक टोयोटा एम्प्लॉय की मदद ली। वो दोनों ने इस कार पे काम करके उसे भला चंगा बना दिया। इसके बाद नागाटा भाई साहब का जो सातवें आसमान पे था, अब तो मैं प्लेन का इंजन भी ट्यून कर दूंगा। मतलब 16 साल की उम्र में उसके पास खुद की अपनी एक रनिंग कार थी। वैसे आप जब 16 साल के थे तो क्या करते थे? तो 16 की उम्र में उसके पास कार तो थी, पर 16 की उम्र उसके लिए दिक्कत थी क्योंकि 16 की उम्र में ड्राइविंग इलीगल थी, जिस वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। स्कूल से निकलने के बाद उस टोयोटा एम्प्लॉय ने उसे टोयोटा कंपनी में जॉब ऑफर, और हमारे नागाटा भाई साहब ये ऑफर वाला कहाँ छोड़ने वाले थे। और इसी के साथ वो टोयोटा का सबसे यंगेस्ट एम्प्लॉय बन जाता है, जहाँ पर रहकर वह पूरी शिद्दत के साथ कार्स के बारे में सब सीखने में लग जाता है। पर कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर। और दिल से ट्यूनर ये आदमी एक पुरानी सिलिका कार खरीदता है और पार्ट टाइम उसे मॉडिफाई करने में जुट जाता है। और वो जब अपनी सिलिका में काम नहीं कर रहा होता है, तब वो वहाँ के एक लोकल टॉर्ज इवेंट में रेस कर रहा होता है। उसका ये कारों के लिए जुनून इतना बढ़ जाता है कि उसका ध्यान उसके जॉब पे से बिल्कुल हट जाता है। और जब ये बात उसके टोयोटा सुपीरियर को पता चलती है तो उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। मतलब एक ऐसा जुनून जिसने पहले स्कूल से निकलवाया और फिर अब जॉब से। लेकिन मेरे चाचा के ससुर के जीजा ये बात हमेशा कहा करते थे, पैदल चलने वालों के पास कार नहीं होती। गौर फरमाइएगा, पैदल चलने वालों के पास कार नहीं होती और कोशिश करने वालों में कभी हार नहीं होती। तो नागाटा भाई साहब अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चले आते हैं सपनों के शहर टोक्यो, और असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। टोक्यो पहुंच के सबसे पहला टास्क था सर्वाइवल। टोक्यो एक महंगा शहर था और इस महंगे शहर में गुजारा करने के लिए वो एक ट्रस्ट नाम की ट्यूनिंग कंपनी में जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रस्ट उन दिनों ट्यूनिंग इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम हुआ करता था। पर हमारे नागाटा भाई साहब को एक बेसिक सी लो लेवल जॉब ही मिलती, जैसे कि एग्जॉस्ट और टर्बो वगैरह पैक करना। लेकिन नागाटा वो मनुष्य था जो बचपन से कारें मॉडिफाई करता आया है, उसे ये सब पैकिंग वगैरह करके भला कैसे चैन मिलता। कुछ समय बाद नागाटा ने कंपनी की रेसिंग डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की कि उसे भी उनके साथ काम करने दिया जाए, उसे इसके पैसे नहीं चाहिए, बस केवल एक्सपीरियंस के लिए। फाइनली नागाटा की बोरिंग टोक्यो लाइफ में थ्रिल आना स्टार्ट हो जाता है। और फिर कुछ समय बाद अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक नागाटा निकलता है, जो कि कंपनी के रिसोर्सेज यूज करके अपने खुद के प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद ये बात उनके बॉसेस को पता चलती है, जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती। बट हमारे नागाटा भाई साहब का तब तक कंपनी में भौकाल टाइट हो चुका था। भौकाल टाइट तो फ्यूचर पर नागाटा उस वक्त कंपनी के एक ट्रस्टेड मैकेनिक और एक वैल्यूएबल एसेट बन चुके हैं, जिन्हें फायर करना थोड़ा मुश्किल। तब बॉसेस लोग एक कॉम्प्रोमाइज करके उसे खुद के प्रोजेक्ट्स पे काम करने की परमिशन दे देते हैं, पर वो ये बात किसी को बता नहीं सकता। मतलब जलवा देख रहे हो आप नागाटा सर का, मैंने पहले ही बोला था, भौकाल टाइट तो फ्यूचर ब्राइट। और एक साल बाद
घड़ी आती है ट्रस्ट को टाटा बाय बाय कर देने की और खुद की ट्यूनिंग शॉप खोलने की, और इस शॉप का नाम रखा जाता है टॉप सीक्रेट। और ये सबसे परफेक्ट टाइमिंग थी मार्केट में उतरने की, क्योंकि ये एरा था GDM एरा। उस वक्त मॉडिफाइड कारों का बहुत ही हाई लेवल क्रेज चल रहा था और ट्यूनिंग शॉप आपको मार्केट में हर जगह देखने को मिल जाती थी। टॉप सीक्रेट का पहला प्रोजेक्ट एक कस्टमर के लिए था, टोयोटा सोरर विथ 7MGT इंजन। इसमें मॉडिफाइड इंजन, बिग टर्बोज, इंटरकूलर, एग्जॉस्ट, मतलब पूछो मत। जो नगाटा को इसमें फिट करते बना वो सब डाल दिया, और इसका रिजल्ट निकला क्वार्टर माइल इन 12 सेकेंड्स। अभी सुन के शायद आप उतना सरप्राइज ना हो, बट 1991 में ये बहुत फास्ट था। और इस सक्सेस के बाद फाइनली बारी आती है खुद की पहली कार की, निसान स्काईलाइन 432 GTR। और इसी के साथ वो कॉम्पीट करना शुरू कर देते हैं टोक्यो के अदर ट्यूनर्स के साथ। एक्वालाइन टनल में 200 KMPH की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाते हुए, लेट नाइट ट्रैफिक को बीट करते हुए, वहीं जहां आधी दुनिया सो जाती थी वहां हमारे स्मोकी नगाटा सर रातों में अपनी स्पीड से तहलका मचाते थे। रात के 2 बज रहे हैं, पब्लिक सो रही है, हो, 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 हो। और धीरे धीरे ट्यूनिंग समाज ट्यूनिंग इंडस्ट्री में नगाटा का नाम बहुत ही तेजी से उभरने लगा। बाकी ट्यूनर की तरफ से उनको काफी एप्रिसिएशन भी मिलने लगा, पर इतने में ही नगाटा सर के कलेजे को कहां ठंडक मिलने वाली थी। और फिर आती है एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी, या मैं कहूं एक मैड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इस बार वो कार चूज करते हैं टोयोटा मार्क 4 सुप्रा। कार पूरी परफेक्ट थी, बट हम ऐसे ही इस शख्स को मैडमैन नहीं बोलते हैं। वो इसके 2JZ इंजन को रिप्लेस करके उसमें डाल देते हैं निसान RB26 का इंजन। जी हाँ, ये वही उनकी निसान स्काईलाइन GTR का इंजन है। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, आइए ये भी समझते हैं। सुप्रा बेस्ट थी उसके डिस्प्लेसमेंट मीन्स लो एंड टॉर्क की वजह से, और उसमें चाहिए था एक दमदार हाई एंड परफॉर्मेंस वाला इंजन, और वो उन्हें मिलता है वही निसान स्काईलाइन GTR में। और कहानी यही नहीं खत्म होती, इसमें फिट किया जाता है फोर्ज्ड HKS पिस्टन थ्रस्ट रॉड, और उसमें डाला जाता है ट्विन GT 3037 टर्बो, और बूस्ट किया जाता है अप टू 2.3 bar विच इज 33 PSI। और मेहनत का फल मिलता है दमदार फ्रैंकस्टीन सुप्रा, जो कि प्रोड्यूस करता है 1000 हॉर्स पावर एट 8500 RPM विद 650 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क। ऐसे ही सब कारनामों को देख के ये बात पहुंचती है यूके के एक मीडिया आउटलेट को, जिनका नाम था मैक्स पावर। ये मीडिया आउटलेट प्रेजेंट के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता है। एक्चुअली मैक्स पावर मैगजीन रिपोर्ट करती थी ब्रिटिश कार सीन्स के ऊपर। उन्होंने एक स्केलिंग सिस्टम बनाया था जहाँ पे वो कार इवेंट्स को स्कोर देते थे, और स्कोर इस बेसिस पे दिए जाते थे कि वहाँ पे पुलिस कितनी मौजूद थी, कितनी हॉट गर्ल्स वहाँ थी, और कितने बर्नआउट वहाँ मारे गए। मतलब समझ रहे हो ये मीडिया आउटलेट क्यों अब एग्जिस्ट नहीं करता। खैर, हमारे नगाटा सर को पता था कि ये यूके की टॉप सेलिंग ट्यूनर मैगजीन है, और 1998 में जब मैक्स पावर नगाटा सर को अपनी सुप्रा के साथ इनवाइट करती है, तो नगाटा सर पहुंच जाते हैं यूके में अपना जलवा बिखेरने। एक्चुअली नगाटा सर अपने टॉप सीक्रेट को वर्ल्ड फेमस करना चाहते थे। यार एक तो नाम रखा टॉप सीक्रेट, बट इसमें अब टॉप सीक्रेट जैसा कुछ बचा नहीं। यूके लैंड होते ही शुरू होता है सिलसिला बर्नआउट्स का। पूरा दिन जहां हो सके कैमरे के सामने बर्नआउट्स करते हुए गुजरता था, और बर्नआउट करके धुआं धुआं करना हमारे नगाटा सर की स्पेशलिटी थी, इसलिए तो उनका निकनेम स्मोकी नगाटा है। इन्हीं सब सिलसिलों के बीच मैक्स पावर के बॉयज नगाटा सर को चैलेंज करते हैं पब्लिक रोड में 200 MPH की स्पीड में चलाने के लिए, और हमारे नगाटा सर छाती ठोक के ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। ध्यान में रखने वाली बात ये है कि ये एक जापानीज रजिस्टर्ड कार थी, मतलब रेस करना तो दूर, इसे पब्लिक रोड में चलाना तक इलीगल था। पर वो मर भी क्या साहब जो लिए हुए चैलेंज से मुकर जाए। और फिर वही अंधेरी सर्द रात, सुबह के 4 बजे नगाटा अपनी कार लेके निकलते हैं ब्रिटिश मिडलैंड के A1 हाईवे पे। सबसे पहले गाड़ी रोक के बीच सड़क में वो एक लंबा बर्नआउट मारते हैं, मतलब वार्म अप तो जरूरी है ना, और फिर ली जाती है फर्स्ट रन। और थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस होता है कि इंजन थोड़ा लीन होके चल रहा है, और इस वजह से वो अपने पहले अटेम्प्ट में बैक ऑफ कर लेते। फिर बारी आती है सेकंड रन, और फिर सेकंड रन में 190 MPH की स्पीड में उनका हुड वॉबल करने लगता है, और सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उन्हें एक बार फिर बैक ऑफ करना पड़ता। इतना सब कुछ होने के बाद बारी आती है थर्ड रन। अपनी मॉन्स्टरस 1000 हॉर्स पावर को वो एक बार फिर लॉन्च करते हैं, और टॉप गियर में 8000 RPM को पार करते हुए स्पीड पहुंचती है 194 MPH, मतलब कि 312 km/h। और फिर बजने लगते हैं सायरन्स। नगाटा सर अपने आप को मुसीबत में फंसता देख कार पुल ओवर कर लेते हैं, और पुलिस उनको फौरन अरेस्ट कर लेती है। कोर्ट केस में पहुंचने के बाद उन पर चार्जेस लगते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के कार ड्राइव करना, और 120 MPH में पब्लिक हाईवे में ओवर स्पीडिंग करना, और जुर्माने के तौर पे 155 पाउंड्स
और 35 पाउंड्स कोर्ट फीस। और यही नहीं, एक साल के लिए उनका इंटरनेशनल लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है और यूके आने पे 10 साल का बैन। भले ही वो 200 एमपीएच तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन बन जाता है एक नया रिकॉर्ड यूके के पब्लिक हाईवे में अब तक की सबसे ज्यादा स्पीड का। और फिर क्या, इस कांड के बाद नगाटा की टॉप सीक्रेट बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं रह जाती अब, क्योंकि इसके बाद यूके के हर मीडिया आउटलेट पे सिर्फ इसी की चर्चा हो रही होती है। और केवल यूके ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड और उनके खुद के देश जापान में भी नगाटा की सुपरा पॉपुलर हो जाती है। जापान वापस आते ही बिना किसी देरी के नगाटा वापस अपने काम में लग जाते हैं और उनकी सुपरा अटेंशन गेन करती है इमराती प्रिंस की, और एक धमाकेदार ऑफर के साथ वो सुपरा सोल्ड हो जाती है। और इतना ही नहीं, ये कार अभी भी एग्जिस्ट करती है, बस राइट हैंड ड्राइव की जगह पे लेफ्ट हैंड ड्राइव है। सुपरा नगाटा का एक बहुत ही पसंदीदा ब्रांड था, पर जब उन्हें पता चलता है कि टोयोटा सुपरा की फिफ्थ जनरेशन लॉन्च करने में कंपनी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो नगाटा सर काफी नाखुश होते हैं और उसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का जिम्मा अपने सर उठाते हैं। और फिर एक नई मार्क 4 सुपरा ली जाती है और पहले की तरह उसका 2JZ इंजन निकाल दिया जाता है, पर पहले से थोड़ा हट के इसका इंजन चूज किया जाता है। ये इंजन है टोयोटा सेंचुरी का 5 लीटर 1JZ FE V12 इंजन, पर ये टोयोटा सेंचुरी का इंजन रेसर्स के लिए नहीं, नॉर्मल लोगों के लिए डिजाइन किया गया था। नॉर्मल से मेरा मतलब है उसमें काफी क्वाइट और स्मूथ इंजन यूज किया गया था जो केवल 280 हॉर्स पावर ही जनरेट करता। पर अब आप ही लोग सोचिए, जिस कार में टॉप सीक्रेट का नाम जुड़ रहा है वो कार वाला कैसे नॉर्मल रहती। तो वो एक नॉर्मल 1JZ इंजन से बन जाती है ट्विन HKS GT 2540 टर्बोस, वेट नाइट्रो सिस्टम एंड 2 HKS ECU। जी हाँ, इस कार को जरूरत पड़ती है 2 ECU की, क्योंकि उस टाइम पे इंजन मैनेजमेंट सिस्टम इतना केपेबल नहीं था कि वो इतने सारे इनपुट और आउटपुट हैंडल कर सके। तो इस कार को कुछ ऐसे ट्यून किया जाता है कि दो अलग अलग 1JZ इंजन को एक होकर ऑपरेट करे, और इसके साथ इसमें ऐड किए जाते हैं फुल्ली कस्टमाइज्ड रॉड और पिस्टन जो कि टॉप सीक्रेट में ही डिजाइन हुए थे। और इसका रिजल्ट निकलता है 930 हॉर्स पावर एंड 745 पाउंड फीट टॉर्क, और इसका एग्जॉस्ट नोट तो ऐसा कि इसको सुनते ही कार प्रेमियों की चीख निकल जाए। पहले की तरह ये कार भी टॉप स्पीड के लिए ही डिजाइन हुई थी, पर कहते हैं ना, साइलेंसर का जला कार मेरे पैर ऊपर करके बैठता है, क्योंकि इस बार उन्हें वापस जेल नहीं जाना था, तो इस बार ड्राइव फुल्ली सैंक्शन और लीगल होनी चाहिए थी। और इसी के लिए वो चले आते हैं इस बार नार्डो इटली। नार्डो रिंग टेस्ट ट्रैक एक फेमस टेस्ट ट्रैक है जो कि 4 लेन वाइड 7.8 माइल लॉन्ग ओवल ट्रैक है। इस बार नगाटा सर का गोल 249 MPH मतलब कि 473 किलोमीटर पर आर का था, लेकिन उन्हें 222 MPH मतलब कि 375 किलोमीटर पर आर पर ही बैक ऑफ करना पड़ता है। पर ये 222 MPH भी उस टाइम पे कमाल की अचीवमेंट थी। इसके बाद वो कॉम्पीट करते हैं 1999 न्यूजीलैंड टॉप स्पीड के लिए, और कार रहती है 3S GT पावर्ड सुपरा। यहाँ पर वो जापान से निकले काफी फेमस और बड़े ट्यूनर्स के साथ कॉम्पीट करते हैं, जैसे कि जोन, स्कूट स्पोर्ट्स और व्हील साइड। इस अटेम्प्ट में भी कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण वो 180 MPH की स्पीड ही अचीव कर पाते हैं। इसके बाद वो अपनी निसान स्काईलाइन V35 AKA इन्फिनिटी G35 को लेके पहुँचते हैं जर्मनी ऑटोबान। ये वही जगह है जहाँ पे बुगाटी वेरोन ने अपनी टॉप स्पीड टेस्ट की थी। नगाटा सर इसमें भी अपनी कलाकारी दिखाते हुए इसमें से VQ इंजन निकाल कर फिट करते हैं 4.5 लीटर V8 इंजन जो कि लिया गया था निसान शीमा से, और वहाँ पे वो 211 MPH की टॉप स्पीड हिट करते हैं। ये कारें और ये स्पीड टेस्ट बस कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल्स हैं, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ टॉप स्पीड के लिए ट्यून किया करते थे, बट वो ड्रिफ्टिंग के लिए भी कार्स ट्यून किया करते थे। टॉप सीक्रेट की एक कार निसान S15 यूज करके 2004 में रियूजी मेकी D1 ग्रैंड प्रिक्स रेसिंग इवेंट जीत जाते हैं, और ये तो केवल नमूना है, ऐसी ढेरों हाई परफॉर्मेंस कार टॉप सीक्रेट ने बिल्ट की। ये सब पॉसिबल हो पाया एक जुनून की वजह से, वो जुनून जो रातों की नींद छीन ले और दिन का आराम, वो जुनून जो काफी फेलियर्स के बाद भी आपको रुकने ना दे, वो जुनून जो आपको किसान के बेटे से वर्ल्ड फेमस ट्यूनर बना दे, है ना जुनून कमाल की चीज। और अभी हाल ही में एक रूमर वायरल हुआ था कि स्मोकी नगाटा की स्पीड टेस्ट के दौरान मौत हो गई है, पर इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। स्मोकी नगाटा और उनकी टीम अभी भी नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, और भगवान जाने ये आगे क्या क्या करते हैं। वीडियो अच्छा तो इसे लाइक करो और ऐसे ही ऑटोमोटिव स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब टू माय इंजन स्टोरी।